समाजवादी पार्टी की महिला सभा अध्यक्ष जूही सिंह प्रयागराज पहुंची। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 और छात्र संघ आंदोलन को समर्थन देने इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंची। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि महंत नरेंद्र गिरी मामले को लेकर भाजपा सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। सीबीआई जांच को लंबित न करके मामले में जल्द रिपोर्ट दे। एक जिनकी हम लोग सब बहुत इज्जत करते थे, श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित करने आए हैं और बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं उस मौत पर। तो हमें आशा है कि एक निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से सरकार उसकी इंक्वायरी करके और उसको सार्वजनिक करेगी। अच्छा, यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे अखिलेश यादव जी, वो कह रहे थे कि इस पूरे मामले की जाँच सिटिंग जज से कराई जाए, अब सीबीआई से जाँच कराई जा रही, क्या कहना आपको? हमारा कहना यही था जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि सिटिंग जज से जांच करानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको सामने लाना ज़रूरी है। सीबीआई का जो मैंडेट है वो फोकस्ड होता है, हो सकता है वो एक बिंदु पर जांच करे, और हम इस मांग को उठाते रहेंगे कि पूरे प्रकरण की विस्तृत रूप से जाँच हो और उसका खुलासा होना ज़रूरी है। समाजवादी पार्टी की महिला सभा अध्यक्ष जूही सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से छात्र संघ के समर्थन में काम करती आ रही है। भाजपा सरकार छात्र संघ बहाल करे और छात्र हित में काम करे, छात्रों की समस्याओं को लेकर सरकार को कदम उठाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ेगी और 2022 में सपा सरकार बनेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार बनते ही छात्रों के हित में काम किया जाएगा, इसके साथ ही छात्र संघ बहाली भी की जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी मौत को लेकर जूही सिंह ने कहा कि महंत ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि हत्या हुई है उनकी। सीबीआई इस सारे मामले में निष्पक्ष जांच करे और मामले को लंबित ना करके जल्द ही रिपोर्ट भेजे। भाजपा की सरकार में ना ही जनता, संत और महात्मा कोई भी सुरक्षित नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेरा भी विश्वविद्यालय रहा है और छात्र संघ के समर्थन में समाजवादी पार्टी सदा रही है। जरूरी है कि सरकार बात सुने और सरकार छात्र संघ के चुनाव को बहाल करे, इसीलिए ये लोग अनशन पर बैठे और इनकी और भी समस्याएं हैं जिसके बारे में विश्वविद्यालय को सुनना ही पड़ेगा। आगामी 2022 का चुनाव नज़दीक है, समाजवादी पार्टी किस स्तर पर चुनाव लड़ेगी और क्या रणनीति अपनाएगी? समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ती है और लड़ेगी, और बहुत सारे छात्र यहाँ हैं, छात्र व्यवस्था को बदल देंगे, व्यवस्था में बदलाव सुनिश्चित है। आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार है। प्रयागराज में क्राइम बढ़ा है, आपने देखा होगा, एक बड़ा मामला चर्चित है, टीवी में भी देखा होगा, महंत नरेंद्र गिरी जो पूरे देश के 13 अखाड़ों के अध्यक्ष हैं, उनकी इस तरह से आत्महत्या करना कितना सवाल खड़ा करता है वर्तमान की। हमने पहले भी कहा है कि जब इस तरह की दुर्घटना होती है तो उसकी इंक्वायरी ज़रूरी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धांजलि देने आए थे, आज हम लोग भी शाम को वहाँ जाएंगे और निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से पारदर्शी तरीके से सरकार जाँच करे और लोगों को बताए कि ऐसा। सीबीआई जाँच करने पहुँच गई है, जाँच करे और तुरंत रिपोर्ट दे। सीबीआई की अन रिपोर्ट की तरह लंबित न रहे बहुत दिनों तक। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।